जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खांदा कॉलनीमधील सांगू काना ठाकूर कॉलेजतर्फे रौप्य महोत्सवानिमित्त आंतरमहाविद्यालयीन फुटबॉल स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल खारघरमधील विद्यार्थ्यांच्या 3 संघांनी सहभाग घेतला होता. विशेष म्हणजे या 3 संघांनी चमकदार कामगिरी करत प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलंय. या 3 संघाचे जनार्दन भगत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार चेतन तुपे, पश्चिम विभाग चेअरमन राम कांडगे, जनरल बॉडी सदस्य वाय टी देशमुख, पुणे विभाग सहाय्यक अधिकारी शंकर पवार यांनी अभिनंदन केलंय. तसंच प्राचार्य राज अलोनी, क्रीडा प्रशिक्षक मंदार मुंबईकर, विशाल फडतरे यांचं विशेष कौतुक करून अभिनंदन केलंय. की टीम में हमारा कल मैच था जिसमें हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन मिला. मैं ताबिश कलीम, अंडर 19 का कैप्टन, और कल के मैच में बीपी ठाकुर और सीके ठाकुर टीम भी आए थे. उन्हें हमने क्या हुआ, हमारा सेमी ग्रुप में मैच हो गया, तो हमारा जो टीम बी और टीम ए था, टीम बी ने भी उन्हें सबको हरा दिया और टीम ए ने भी सबको हरा दिया. फाइनल्स में टीम ए और टीम बी का मैच हुआ जिसमें टीम बी 2-0 से जीत गई. और हम लोग काफ़ी टाइम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, करीब 5-6 साल हो गए, और इस ड्यूरेशन में काफ़ी मैचेस जीते भी हम लोग ने. लास्ट लॉकडाउन से पहले DSO फाइनल में सेकंड आया था DSO, और उससे पहले क्लस्टर्स में भी गए थे जिसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ज़्यादा बड़े लोग आए थे तो उसकी वजह से, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था.